पहला क्वेश्चन देखिए, यदि p बराबर 3 की पावर 2000 प्लस 3 की पावर -2000 और q का मान दिया गया है 3 की पावर 2000 माइनस 3 की पावर -2000, तो हमें ज्ञात करना है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। तो इसके बराबर क्या होता है आप लोग जानते हैं, p प्लस q, p माइनस q। मैं इस क्वेश्चन को और छोटा कर देता हूं, जहां पे 2000 है मान लीजिए 2 है, यहां पे मान लीजिए -2 है, ठीक है, 2000 की जगह 2 और -2000 मतलब -2, यानी P का मान क्या हो गया 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर -2 और Q का मान 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर -2, ठीक है। क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लिया है, ठीक है। अब देखिए P प्लस Q, तो P प्लस Q ये क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, P प्लस Q ये दोनों को जोड़ना है, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, यानी ये आएगा 3 का स्क्वायर 1 प्लस 1, ठीक है, यानी 3 स्क्वायर गुणे 2। इसी प्रकार P माइनस Q क्या आएगा, P माइनस Q करेंगे तब देखिए ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका 3 की पावर -2 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे P माइनस Q, 3 का स्क्वायर प्लस 3 की पावर -2 -3 का स्क्वायर प्लस 3 की पावर -2, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यही बचेगा। तो इसी प्रकार 3 की पावर -2 1 प्लस 1, तो ये भी आ जाएगा 3 की पावर -2 गुणे 2, ठीक है। आप लोग ज्ञात करना है P प्लस Q, P माइनस Q, ठीक है, P प्लस Q, P माइनस Q, यानी 3 का स्क्वायर गुणे 2, ठीक है, और 3 की पावर -2 गुणे 2, इसे जो है इस प्रकार लिख सकते हैं, सभी का साथ में गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आधार बराबर है, यानी ये तो आएगा 2 -2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 3 की पावर 0, यहाँ पे 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, 1 गुणे 4, ये आएगा 4, ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो 4 आएगा, ठीक है। आप लोग 3 की पावर 2000 लेकर हल करेंगे या 3 की पावर -2000 लेकर हल करेंगे तब भी यही आएगा, 4 आएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, यदि a³ = 1 + 7, a³ = 1 + 7, 3 का क्यूब 1 + 7 + b, 4 का क्यूब 1 + 7 + c, तो a + b + c का मान। तो सबसे पहले आप लोगों को ए बी सी का मान ज्ञात करना पड़ेगा। यहां पर देखिए a³ = 1 + 7, यानी ये कह सकते हैं 8, तो यहां से a का मान आ जाएगा 2। दूसरी लाइन देखिए, 3 का क्यूब = 1 + 7 + b, तो यहां से क्या हो जाएगा b का मान 27 - 8, ठीक है, 3 का क्यूब 27, 8 इधर घट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 19 आ जाएगा, ठीक है। और यहां से c का मान निकाल सकते हैं, c का मान क्या आ जाएगा 64 - 8, 56 आ जाएगा, ठीक है। तो a+b+c यानी 2 + 19 + 56, तो इसे जोड़ देंगे, ये आ जाएगा आपका 77। पहला वाला ऑप्शन सही है। ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं सीटेट में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा।